Hello guys, welcome or welcome back to my channel Tipsy Faria. I am Faria और आज मैं लेके आई हूँ एक special clothing haul. और ये ज़्यादातर कपड़े मैंने मीशो ऐप से ख़रीदा है और एक दो कपड़े मैंने अभी Flipkart का जो नया shopping app निकला है Shopsy बोल के वहाँ से लिया है. सो येस, ओवरऑल माई एक्सपीरियंस विथ ऑल द क्लोथ्स वेर गुड, बट एक दो को छोड़ के विच आई विल शेयर लेटर इन द वीडियो. और वीडियो में जाने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू कि Shopsy और मीशो का ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. और फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर से शायद कुछ डिस्काउंट भी है मीशो ऐप में, सो गो एंड चेक आउट. इज विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओह बाय द वे, वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो. सो अगेन विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो मैं हॉल का स्टार्टिंग अपने वन ऑफ द फेवरेट कुर्तीज के साथ में करना चाहती हूँ. और ये सारे अभी जितने भी मैं आपको दिखाऊंगी कपड़े, वो मैंने मीशो से बाय किए हैं. सो पहला वाला जो मैंने मीशो से बाय किया है और आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा भी होगा पहनते हुए, एंड ट्रस्ट मी ये पहनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, जैसे कि देखने से लगता है उससे कहीं ज़्यादा पहनने से बहुत सुंदर लगता है. सो फर्स्ट पीस इज दिस, मुझे ये कल ही डिलीवर हुआ और काफ़ी सुंदर वाला ये सूट है, वेरी अप्रोप्रिएट फॉर ईद. और इसमें आपको पजामा और ये कुर्ता मिल जाता है. फुल व्यू अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी. सो गाइज, ये पूरा प्योर कॉटन कुर्ता सेट है, वेरी नाइस. और ये फ्लेयर स्लीव्स के साथ में आता है विथ एन अटैच लाइनिंग. एंड मेक श्योर कि आप एक साइज़ अपने रेगुलर साइज़ से बड़ा ऑर्डर कीजिएगा. और माई हाइट इज़ 5'3" और ये मुझे परफेक्टली फिट हो रहा था एज यू कैन सी. और फिनिशिंग के मामले में बोलूँगी कि कहीं कहीं से धागे वगैरह निकले हुए थे, बट ओवरऑल वेरी गुड फॉर द प्राइस आई पेड. और इसका प्राइस जो भी है मैं स्क्रीन पे कहीं दे दूंगी, डू चेकआउट. जो कपड़ा मैंने मीशो से ख़रीदा है वो एक ड्रेस है और अभी फ़िलहाल मैंने पहने रखा है. दिस इज़ द ब्यूटीफुल ड्रेस और काफ़ी सुंदर है ये. इस ड्रेस से वाकई मुझे प्यार हो गया है. ये आता है वी नेक के साथ में और आपको ऐसे स्ट्रिंग्स मिल जाते हैं जो एडजस्टेबल है. फ्लेयर, ओह माय गॉड कितना अच्छा है फ्लेयर इसका, बहुत ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, एकदम परफेक्ट फॉर समर्स. और कपड़ा बाय द वे कॉटन है, इट्स प्योर कॉटन और आपको गर्मी में बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगने वाला है ये कपड़ा पहन के. आप स्टाइल कर लीजिए, आपको स्लीवलेस पहनना पसंद नहीं है तो ऊपर से आप डेनिम जैकेट डाल सकते हैं या फिर वाइट ओवरसाइज शर्ट डाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं. और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. गाइज, मीशो में प्रोडक्ट कोड्स होते हैं, मीशो में प्रोडक्ट के लिंक नहीं होते हैं, तो सारे जितने भी प्रोडक्ट कोड है मैं कोशिश करूँगी कि नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा. और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ड्रेस है वो मुझे मेरे मम्मी ने गिफ्ट दिया है, वो है ये वाला ड्रेस, ये काफ़ी सुंदर सा ड्रेस है. और ये आता है राउंड नेक के साथ में एडजस्टेबल स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं. और ये हालांकि लूज़ है मेरे लिए क्योंकि मम्मी ने गलती से एक्सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया था और गर्मी इतना है तो गर्मी में लूज़ पहनना पसंद है तो मैंने एक्सचेंज नहीं किया. ओवरऑल अगेन रेयन एंड कॉटन मिक्स है, बहुत ही कंफर्टेबल है गर्मियों के लिए. आप एज ए कुर्ता इसको पहन सकते हैं, एज ए ड्रेस इसको पहन सकते हैं और फ्लेयर भी आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है. मुझे तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. प्रिंट इज सो वाइब्रेंट, सो समरी और स्ट्रेचेबल वेस्ट मिल जाता है, तो कभी कभार ज़्यादा बहुत खा भी लिया तो नो प्रॉब्लम, आपका पेट निकलेगा नहीं. सो येस, ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये ड्रेस. और इसका भी कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, डू चेक आउट. एंड गाइज, जो फोर्थ एंड लास्ट कपड़ा जो मैंने मीशो से लिया है वो है ये चिकनकारी कुर्ता. और ये देखने में आप देख ही रहे हो कितना सुंदर है और इसके साथ में एक इनर आता है. और वाओ, ये पहनने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था. कपड़ा जो है वो जॉर्जेट है, बट ऐसा नहीं है कि आपके स्किन को चुभे, ये बहुत ही कंफर्टेबल था पहनने में ये. आई जस्ट फेल इन लव विद दिस पीस
और देख ही सकते हैं कितना एम्ब्रॉयडरी इसका महीन काम है एक्चुअली। तो कहीं से भी धागे वगैरह नहीं निकले हुए थे और नीचे लाइनिंग एक्स्ट्रा अलग से दिया हुआ था। और बट लाइनिंग में एक चीज़ मैं बोलूँगी कि लाइनिंग के साइड में जो है ना वो सिर्फ एक एक स्टिच किया हुआ था, तो मेक श्योर कि आप जब भी इसको पहने उससे पहले एक और स्टिच कर लेने, तो फटने का ज़्यादा चांसेस रहता है धोने के टाइम पे। बट ओवरऑल ये कुर्ता, ओ माई गॉड, वैसे तो मुझे जॉर्जेट इतना पसंद नहीं है समर्स में पहनने के लिए, बट ये कुर्ता इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि मन कर रहा था कि अभी पहन के कहीं चलो। सो यस, इसमें कलर्स और भी आपको मिल जाते हैं, मैं प्रोडक्ट को नीचे दे दूँगी, प्लीज़ गो एंड चेकआउट। एंड गाइस, इसके साथ ही ख़त्म होता है मीशो का जो हॉल था वो। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ हॉल फ्रॉम द ऐप शॉपसी, और शॉपसी से मैंने मम्मी के लिए एक कुर्ता पजामा सेट लिया है और वो है ये, काफ़ी सुंदर है और मैं प्राइस वगैरह स्क्रीन पे कहीं दे दूँगी। दिस इज़ द कुर्ता और इसके साथ में ये वाइट बेसिक पैंट आता है, इसमें थोड़ा डिटेलिंग है इस तरह से, और काफ़ी सुंदर है, कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट है। और इसके गले पे जो एम्ब्रॉयडरी हो रखा है ना वो भी, इसका भी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फ्लेयर वाला कुर्ता है ये, तो काफ़ी अप्रोप्रिएट था मम्मी के लिए या फिर मिडिल एजेड वुमन के लिए जिनको अपना टमी फैट वगैरह थोड़ा हाइड करना या हाइड करने का ज़रूरत पड़ सकता है या पड़ता है उन लोगों के लिए। एंड ओवरऑल कलर ये नेवी ब्लू था, हालांकि कैमरे में शायद ब्लैक दिखाई दे रहा होगा आपको बीच बीच में। और ये रेयन मटेरियल में है और इसके साथ में ट्राउज़र भी काफ़ी कंफर्टेबल है, बट ट्राउज़र थोड़े पतले कपड़े में है, वाइट है, बट चल जाएगा इसके साथ में। बट इस ट्राउज़र को आप दूसरे कुर्ते जिसमें साइड स्लिट है उसमें आप नहीं पहन पाओगे, क्योंकि आपका पैंटी पूरा दिखाई देगा या पैंटी लाइनिंग पूरा दिखाई देगा। ओवरऑल इट्स अ गुड क्वालिटी कुर्ता सेट फॉर द प्राइस आई हैव पेड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने शॉपसी से कपड़ा खरीदा है वो मैंने घर में पहनने के लिए बेसिकली खरीदा है, और आई मस्ट से कि हमें दिखाई दी तो उसके बाद में बोलूँगी ये वाला। काफ़ी काफ़ी कंफर्टेबल कपड़ा है, कॉटन है, प्योर कॉटन, और ये थोड़ा लूज है, बट चलिए मैं आप लोग को पहन के दिखाई देती हूँ। इसका कलर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, पिंक कलर में, हालांकि थोड़ा आर्मपिट के एरिया से थोड़ा सा लूज़ हो रहा था। फ्लेयर तो ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा फ्लेयर था ना इसमें, आई जस्ट फेल इन लव विद दिस ड्रेस। और हालांकि मैंने घर में पहनने के लिए लिया था, बस सोची अभी बाहर भी पहन के जा सकती हूँ। पीछे बेल्ट दिया हो गया है और काफ़ी अच्छा फ्लेयर है, ये भी प्योर कॉटन में है, परफेक्ट फॉर समर्स। और गाइज, इसी के साथ में मैं आज के लिए आप लोग को बोलती हूँ टाटा बाय बाय, मिलती हूँ फिर से नए एक वीडियो के साथ में। तब तक स्टे हैप्पी, बी हेल्दी, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।